चुनाव में हम किसान होने के नाते सभी किसान साथियों अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन को एक वोट ना दें। और हमारे लिए तो सबसे दुर्भाग्य बात है, चौधरी देवीलाल किसानों की राजनीति करते हुए इस देश में पैदा हुए थे, पूरे जीवन किसानों की राजनीति की, उनके दुख दर्द में शामिल हुए। और हमारे जजपा के भाई दुष्यंत चौटाला जी, वो भी उस भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं और देवीलाल को विरासत को भूल करके सिर्फ सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं। हम सभी किसान साथियों से अपील करते हैं कि बड़ौदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जजपा के उम्मीदवार का विरोध करें। हजारों दो दो हजार एकड़ के फार्म हैं, एक आदमी उन पर खेती कराता है, बाकी लोगों की जो जमीन है वो ठेके पे ले ली जाती है और कुछ समय के बाद उस जमीन को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे अंग्रेज हमारे देश में अफीम की खेती पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में करवाया करते थे, उसी तरह की नीति सेम भारत सरकार की। आज क्या आश्वासन दिया हो? आज जस्टिन महोदय से हम मिले थे, उन्होंने कहा भी भारत सरकार के पास आपका ज्ञापन भेज दिया जाएगा। और हमने कहा अगर सरकार ने जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करी तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी में। कितने दिन का अल्टीमेटम? अल्टीमेटम हमने को नहीं दिया है क्योंकि अभी तक हमारा काम धंधा चला हुआ है। हम कुछ समय प्रचार प्रसार करेंगे, उम्मीद करते हैं कि सरकार का अच्छा जवाब आए।